गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दिनेश मिगलानी ट्यूटोरियल्स। दिस इज अवर सेशन नंबर 7 ऑन द टॉपिक ऑफ इम्पोर्टेंट वर्ड्स, पिक्चर बेस्ड। दीज वर्ड्स आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर SSC, IBPS, CAT, GRE, GMAT एंड एनी गवर्नमेंट जॉब एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, राइट, हु वांट्स टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश ऑल्सो। फॉर मोर वीडियोज यू मे लॉग इन टू माई वेबसाइट www.dineshmiglani.com। I expect from you to share my videos on your Facebook wall as well as with your friends so that they will also be benefited by this. Let us start with the session, important words, picture based, session number 7. The first word that we have, that is said to be serene. Serene is something which is very cool and calm, right? We make, generally that is used for the nature of a person, right? Sometimes we call someone as serene. It means that person is very cool and calm, right? हिंदी में से हम कहते हैं निर्मल या स्थिर, जो बिल्कुल स्थिर है, calm, peaceful, tranquil, placid, very important words here, placid and tranquil, right? And when I talk about the opposite to this word serene, that is said to be clamorous or turbulent. इसका मतलब होता है जो स्थिर ना हो, काफी हलचल वाला हो, तो that are the opposite to the word serene, right? तो generally when I just observe this picture, इस picture में हम देखें कि बिल्कुल स्थिर सा माहौल है, मछलियां हैं पानी में तैर रही हैं, right? तो that is said to be serene. Next one is soporific. When I talk about this word soporific, soporific is something that causing sleep, right? Or you may call it as very sedative. राइट तो आप इसे इस पिक्चर से अगर कनेक्ट करके देखें तो खाना खाने के बाद यू आर फीलिंग स्लीपी, राइट। सपर वाज टेरिफिक, इट मींस आपका जो खाना था, सपर जनरली यूज फॉर द नाइट मील, राइट। तो खाना जो आपने खाया तो आफ्टर दैट यू आर फीलिंग सोपोरिफिक, जिसका मतलब होता है ऊंघता हुआ या निद्राजनक, और यू इन इंग्लिश यू मे कॉल इट एज कोजिंग स्लीपी एनेस्थेटिक, राइट, ओपिएट और सिडेटिव। एनेस्थेटिक मीन्स आप जनरली पढ़ते हैं ना एनेस्थीशिया, एनेस्थीशिया इज द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच यू आर बींग मेड सिडेटिव, राइट, वेयर यू डोंट फील एनीथिंग देयर, तो दैट इज सेड टू बी एनेस्थीशिया, टू कोजिंग स्लीपी। सोलवेंट, राइट, सोलवेंट इज समथिंग हु इज एबल टू पे वंस डेट, तो जनरली यू यूज ए टर्म दैट इज टेकन एज इनसोलवेंट। इनसोलवेंट मीन्स वन हु इज नॉट एबल टू पे देयर डेट, और यू मे कॉल इट एज बैंकक्रप्ट, BANKRUPT, bankrupt means who is not able to pay his debt, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दिवालिया। And antonym to the word bankrupt is said to be solvent, who is able to pay his debts. Specious, SPECIOUS, right? जनरली हम कोर्ट में देखते हैं ना, ये एक पिक्चर कोर्ट का दिया हुआ है जिसमें लॉयर जो होता है वो अपने क्लाइंट को विन कराने के लिए कुछ भी बोलता है, राइट, ही ऑलवेज स्पीक्स इन द फेवर ऑफ हिज क्लाइंट, राइट, ही नेवर सेज व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज राइट, ही इज जस्ट ट्राई टू कन्विंस द बॉस, कन्विंस द जज अबाउट हाउ हिज क्लाइंट कैन बी सेव्ड, तो दैट इज एसोसिएटेड विद दैट, जिसका मतलब होता है दिखावटी। अपियरिंग टू बी ट्रू बट फॉल्स, और यू मे कॉल इट एज द मिसलीडिंग और डिसेप्टिव, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म स्पेशियस, SPECIOUS, मिसलीडिंग और डिसेप्टिव। एंटोनिम टू द वर्ड स्पेशियस इज जेन्युइन, समथिंग विच इज ट्रू, समथिंग विच इज जेन्युइन, दैट इज अपोजिट टू द वर्ड स्पेशियस। स्पूरियस, राइट, स्पूरियस मीन्स जाली और बनावटी, यू मे कॉल इट एज नॉट जेन्युइन और फेक और काउंटरफीट, राइट, समथिंग विच इज नॉट जेन्युइन, दैट इज सेड टू बी स्पूरियस, जिसको हम कह देते हैं बनावटी है या जाली है, और काउंटरफिट, जैसे काउंटरफिट क्वाइंस कहते हैं ना, जनरली काउंटरफिट इज यूज इन द मेन क्वाइंस, जो जाली सिक्के होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, काउंटरफिट क्वाइंस, राइट, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म स्पूरियस। स्टपर मीन्स स्लम्बर, डेजी मीन्स जनरली जैसे वाइन पीने के बाद में यू फील वेरी वेरी स्टूपिड, बिल्कुल मूर्छा आ जाना, सुनपन आ जाना, दैट इज सेड टू बी स्टपर, STUPOR। स्टाइमी, स्टाइमी मीन्स टू हैरानी में डालना किसी को, टू वंडर अबाउट समथिंग, स्टम्प, थ्रोट, ब्लॉक, हिंडर, राइट, तो दैट इज समथिंग व्हेन यू रीड समथिंग, आफ्टर रीडिंग दैट यू फाइंड यूर सेल्फ इन अ वेरी ब्लॉक्ड वे, मीन्स यू आर सो मच एस्टोनिस्ट दैट
you cannot even move. So that situation is said to be stymie. Tenacity. Tenacity generally that is used for your persistence or hard work. Means jo kehte hai na lagan, tenacity, right? Your persistence, diligence, perseverance, or you may call it as your hard work, or you may call it as something that is continuous, right? Your persistent effort, your continuous effort, tenacity. Opposite to the word tenacity is quodis, indolence, timidity, means where you are not able to continue with the things. So here one picture is shown to you, image is there that while playing the tennis, right? If still you face some problem, but still you continue, because while playing, if you want to win, you have to continue your game, right? So that is your tenacity, your lagan, jisko hum kehte hai na, aapki lagan, kisi cheez pe stick rehne ki capacity, that is used as tenacity. Tepid, right? Tepid means lukewarm, or jise kehte hai na gunguna, jise kai bar pani hota, ek to hota hot. Once situation is said to be hot, right? Second is said to be tepid. Hot means जो काफी गर्म है, tepid means वो गर्म भी है और मतलब इतना इतना ज्यादा गर्म भी नहीं है, जिसे हम गुनगुना कहते हैं, right? Lukewarm or lacking emotions, dull, that is also used for the tepid behavior. Suppose you went to your friend and behavior of your friend is very tepid. It simply means that your friend has not shown so much enthusiasm to meet you, right? The behavior of your friend was dull, right? So that is said to be tepid. Torpor. Torpor means mandata, means laziness, lethargic approach, slumber, torpidity. Generally, torpor is used for laziness, right? Jo kafi alsi type behave kare, that approach is said to be torpor, okay? And opposite to the torpor is tenacious, or you may call it as the diligent. Trepidation. Trepidation means ghabrahat, right? ये पिक्चर में आप देखो, यहां से मीनिंग ज्यादा क्लियर हो जाएगा भी. अगर शेर के मुंह में आपका सिर है तो उससे ज्यादा घबराहट आपको कभी भी नहीं हो सकती, बिकॉज देयर यू फाइंड यूर सेल्फ ओनली टू बी डाइड, राइट? सो दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ट्रेपिडेशन. दैट मीन्स घबराहट, अनसर्टेनिटी, फियर, एप्रीहेंशन, राइट? ऑल दीज आर द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रेपिडेशन. टेसिट. Tacit is someone who is keep and quiet, silent person, right? Implied but not expressed. इसको मौन कह देते हैं ना. And that's your general behavior. Some persons you find that they don't speak too much, whatever it may happen. So their situation is said to be tacit, right? Or that is unspoken, or you may call it as silent. Next one is ट्राइट. राइट, ट्राइट का मतलब होता है घिसा पिटा, मीन्स एनीथिंग विच इज अ बैनल, स्टेड, अनओरिजिनल, राइट? और वन मोर वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज वर्ड हेयर इज दैट इज सेड टू बी हैकनी, दैट इज ऑल्सो यूज फॉर इट, दैट इज फॉर द ट्राइट, राइट? सम टाइम दैट इज यूज फॉर यूर थॉट्स और यूर क्लोथ और यूर वे ऑफ लिविंग, राइट? ऑल दीज आर मीन्स ए पर्सन हु डज नॉट make himself fashionable as per to the latest thing, so that things are said to be trite, or your old thinking, they are the part of trites. Timorous. Timorous means tire. Okay, that word can be associated with the word timid, and we know that the meaning of the word timid, timid ka the meaning aapko clear hai, jiska meaning kya hota hai, tire, right? Timid, fearful, apprehensive, timorous, all these are the meaning of the word timorous. These are synonym to it, and opposite to it are brazen, bold, right? Something which is very bold, that is said to be antonym to the word timorous. Tenuous means something which is very tiny, very small, right? Very nervous, uncertain, long and thin, weak, nebulous, right? Jaise ye situation hai, is tarah ki situation ko hum kya keh dete hain, tenuous situation, right? And when I talk about antonym to it, that is said to be certain, definite. Terse. Terse is very very concise, right? Very very cryptic or to the point, right? So if I speak something in a very to the point way, so that is my terse speech. Generally you just find the word as terse speech, right? Means a less word but meaning is clear there, right? And that may also be personality of a person, terse personality, who speaks very very less, and whatever he speak, that is always to the point.
and opposite to the word terse is verbose, where you use lot of words. Means if you want to say something and you use so much words to speak, right? And also one more word is there, that is said to be prolix. So all these words are antonym to the word terse. Temperate, right? Temperate, when I just associate with temperature, is great, means who is very very moderate or sober, right? जो लोगों से काफी प्यार से बात करता हो, संयमी टाइप पर्सन हो, राइट? तो यू मे कॉल इट एज एग्रीएबल, मॉडरेट, सोबर. तो दैट आर द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेम्परेट. टॉक्सिक, टॉक्सिक यू नो दैट विशेला, पॉइजनस, लिटल, नॉक्सियस, मीन्स एनीथिंग दैट कंटेन्स पॉइजन, यू मे कॉल इट एज टॉक्सिक, राइट? एंड अपोजिट टू द टॉक्सिक इज हार्मलेस, हेल्दी. दीज आर द वर्ड अपोजिट टू द वर्ड टॉक्सिक. Next word that we have, that is said to be transitory. Transitory is something which is for short living, right? Short lived or temporary, momentary or transient, right? Something that happens for a very short time period, that is said to be transitory, right? And when I talk about antonym to the word transitory, that is lasting, perpetual, these are antonym to the word transitory, right? So, जिसको हिंदी में क्षण भंगुर भी कह देते हैं, दैट इज नॉट फॉर द लॉन्ग टाइम, दैट इज फॉर ए वेरी स्मॉल पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रांजिटरी. ट्रंकेटेड, ट्रंकेटेड मीन्स टूटा हुआ, जिसको हम कहते हैं ना खंडित, दैट इज कट ऑफ और कर्टेल और प्र्यून, राइट? अब नाउ हियर वी हैव ए वर्ड प्र्यून. प्र्यून एक बहुत अच्छा वर्ड है. प्र्यून देखिए, इसका अगर एक्चुअल मीनिंग देखे, प्र्यून तो जनरली आप देखते हैं प्र्यूनिंग ऑफ द प्लांट्स, मीन्स जैसे कई बार आप जो बागवानी करते हैं, जो गार्डनिंग करते हैं, पेड़ की पत्तियों को एक अच्छे ढंग से काटा जाता है जिससे कोई ना कोई शेप बन जाए, तो उसको हम क्या कह देते हैं, दैट वर्ड इज यूज एज प्र्यून, PRUNE, राइट? एंड एंटोनिम टू द वर्ड दैट इज द प्र्यून, ट्रंकेटेड. अनपैलेटेबल, अनपैलेटेबल मीन्स जो आपको पसंद ना हो, ठीक है, जो डिलीशियस ना हो. जैसे हमने पीछे एक वर्ड पढ़ा था पैलेटेबल, प्लेट में रखा हुआ बहुत अच्छी चीज, दैट इज सेड टू बी पैलेटेबल, जिसे हम कहते हैं स्वादिष्ट, जो हमारे जीभ को अच्छी लगे, राइट? दैट इज सेड टू बी पैलेटेबल. एंड एंटोनिम टू द वर्ड पैलेटेबल इज सेड टू बी नॉट प्लेजेंट, रिपल्सिव, अनसेवरी. दीज आर द सिनोनिम टू द वर्ड अनपैलेटेबल, मीन्स जो अच्छी नहीं है बात करने में भी हो, जनरली दैट इज यूज फॉर द डिशेज, राइट? And antonym to the word palatable is a delicious, savory. These are antonym to the word palatable. Unfetter. देखो fetters होती है बेड़ियां. When I talk about fetter, FETTER, fetter को हम use करते हैं, जैसे बेड़िया होती है ना, पैरों में fetters होती है, right? तो unfetter का मतलब क्या है, कि किसी को रिहा कर देना या बेड़ियां काट देना, right? तो what I can say, to set someone free from the restrictions or to liberate someone or to unshackle, so that is the meaning of term unfetter. And antonym to the word unfetter is imprison, incarcerate. These are antonym to the word unfetter. Usurp, USURP, hadapna, to take power by force or to grab, so that is the meaning of the term usurp. Antonyms to this, to surrender, to relinquish. So generally when someone grab your land or grab your property, so that the word there we use usurp, USURP, jiska ek literal hindi mein meaning hota hai hadapna. Vilify, vilify means kisi ko galiyan dena ya badnaam karna, to make vicious statement, right? To damn something, right? So that is the meaning of the term vilify, right? But don't speak in a proper way, kisi ko bura bhala kehna, all these words are used for this vilify. And antonym to the word vilify is to approve, to compliment, to praise. All these are antonym to the word vilify. Vindicate. Vindicate means sabit karna. Court mein kis cheez ko sabit karna, that is said to be vindicate. Aur uske baad the person is free from blame or absolve or exonerate. Right? Jaise aapke upar koi blame hai, charge hai. आपने उसे कोर्ट में साबित कर दिया और उसके बाद में यू आर बीइंग एक्सोनरेटेड और यू आर बीइंग फ्रीड फ्रॉम द ब्लेम, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड विंडिकेट. एंड एंटोनिम टू द वर्ड विंडिकेट इज कंडेम और इनक्रिमिनेट. वैक्यूअस, वैक्यूअस जैसे वैक्यूम होता है ना, दैट वर्ड में बी एसोसिएटेड विद वैक्यूम,
तो वैक्यूस मीन्स खाली, एम्प्टी और लेम ब्रेन्ड. एनी वन दैट मे बी यूज फॉर ए पर्सनैलिटी मीन्स ही इज ऑफ वैक्यूस पर्सनैलिटी. इट मीन्स ही डज नॉट हैव दैट मच ऑफ ब्रेन, राइट, जिसका ब्रेन बिल्कुल खाली है, जो स्टूपिड टाइप है, मूर्ख टाइप है. तो दे आर ऑल्सो वी यूज द वर्ड वैक्यूस. इन जनरली द मीनिंग ऑफ द टर्म वैक्यूस इज एम्प्टी. विली, WILY, राइट, चतुर, कपटी, जिसको हम कहते हैं क्लेवर, वेरी कनिंग, स्विफ्ट पर्सन. दैट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म विली, WILY. वेन, WAN ही, वेन मीन्स टू डिक्रीज, टू फेड, किसी चीज का पतन होना या कम होना. द किंगडम वॉज वेनिंग, इट मीन्स किंगडम वॉज डिमिनिशिंग और फेडिंग, राइट, और यू मे कॉल इट एज अबेट और डिमिनिश और फेड और डिक्रीज. दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेन. दिस इज एंड टू अवर सेवंथ सेशन ऑफ पिक्चर बेस्ड वोकैबुलरी. आई होप यू एंजॉयड इट. थैंक यू वेरी मच. यू मे सेंड योर फीडबैक टू मी एट माई ईमेल आईडी legalbuddy@gmail.com और कनेक्ट मी ऑन माई फेसबुक @DineshMiglani. माई व्हाट्सएप नंबर इज 0921551435. आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू to share my videos on your Facebook wall as well as with your friends so that they will also be benefited by this. Thank you very much.